सो हे गाइस गुड मॉर्निंग सो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल सभी अच्छे होंगे और सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर दिल से। तो ये देखिए हम लोग सब जा रहे हैं कहाँ, मोबाइल वोबाइल धर के ले, मोबाइल का हम लोग सब जा रहे हैं। ये देखिए जिया जी से मिलिए, बाय बाय। तो हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करने, तो मेरे ब्लॉग में बने रहिए, हम सबको बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो अभी रात में ही मतलब ट्रेन था तो रात में सो गए, ब्लॉग शॉट नहीं कर पाए, तो अभी मॉर्निंग में कर रहे हैं, एंजॉय करेंगे अभी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और यहाँ से 11 बजे बस ट्रेन को छोड़ देना है, जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पहुँच जाएंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 8-10 बज चुके हैं, मतलब 3 घंटे के और सफर है मेरा। तो ये देखिए सब एक दूसरे को विश कर रहे हैं अभी फोन पर। एक्चुअली हम लोग में विश हो चुका है, बाकी फोन पर विश हो रहा है। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आज बहुत सारे एंजॉय करने वाले हैं। तो सुबह सुबह चाय बहुत मिस कर रहे हैं, घर का चाय, यहाँ चाय वैसा मिलेगा नहीं। तरल चाय आ रहा है तो पी लूँ मंगा के, पर घर जैसे चाय नहीं मिलता यार। हम लोग करने वाले 1 जनवरी को इंजॉय, उसके बाद जमाना होगी 2 तारीख को। तो अभी देखो क्या क्या होता है, बताऊँगी आप सभी को मैं कहाँ पहुँचने वाली हूँ और इंजॉय करने वाले हैं, वो भी सब बताएंगे हम। बने रही मेरे ब्लॉग में और जरा और दिखाते हैं। लोग पीछे हैं तो अभी बहुत सारे लोग हम लोग जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए। बहुत पीछे एक और पानी कितना अच्छा लग रहा था ना, ऐसा ना जा रहा है यहाँ का। ये देखो अभी मतलब अभी बहुत पीछे हम लोग, एक घंटा समय लगेगा। कटक का नजारा, कटक का स्टेशन इधर पड़ता है। तो ये देखिए यहाँ पर कटक का ये स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। तो यहाँ हम लोग स्वेटर खोल दिए, बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है तो इसकी वजह से स्वेटर खोल दिए। और चाय के इंतजाम में सभी लोग गए हैं जेंट्स में कि चाय मतलब आ जाए, क्योंकि और ऐसी चाय जो बेचता है तो मतलब उसमें पीने लायक तो नहीं है, तो गए हैं बनवाने के लिए चाय बढ़िया से दूध वगैरह लेके, क्योंकि हम लोग को चाय चाहिए। तो अभी चाय पियेंगे फर्स्ट आने वाले चाय। कटक स्टेशन पर रुक चुके हैं, ट्रेन रुका हुआ है भुवनेश्वर में। ये देखो पानी भाई, इससे भी हम लोग आगे जा रहे हैं। ट्रेन यहाँ पर रुका हुआ है और सब भी गए दीदी, ऐसे चाय आ गया है। साथे उतरा है, साथे उतरा है, देख लीजिए आपकी दुकान संजय जी और आ रहा है। खुल गया, खुल गया, चाय 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 खुल गया, भैया पीछे चल जाएगा।
बस अब हम लोग अगले स्टेशन रुकने वाले हैं। तो बहुत कम आ गया किसको देवी लेके जाए है। अगले स्टेशन हम लोग है मतलब ये ट्रेन जो है रुकेगी बस लास्ट स्टॉपेज है तो सारा चीज़ तो पैकेज हो चुके हैं। मैं सिर्फ ऐसे ही जाऊँगी ऐसे ठीक है क्योंकि बाल मैंने छोटा कट करवा लिया तो अच्छा है बाल मैं खोलूँगी नहीं बहुत कम चुके हैं और भूख भी बहुत जोर से लगा हुआ है तो सब मिलते कुछ खाने को भूख लग सब हम लोग उतर चुके हैं। हे गाइस आ चुके हैं पूरी जाएंगे हम होटल करेंगे तो अभी चलेंगे हम होटल में सब हम लोग चल पड़े हैं। हाँ हाँ पर हम अभी रुके हुए हैं सब देखो और कुछ लोग उधर हैं वो स्लीपर चेंज कर रहे हैं क्योंकि चोट लग चुका है तो अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और सच्ची बताओ तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहा है स्वेटर निकाल के रख दूँ बीच के लिए अब पहले होटल ऑटो में बैठ चुके हैं और बस निकलना है यहाँ से होटल ऑटो टेम्पू को ही मिल जाता बेटा हम लोग बैठ गए हैं दो टेम्पू और मतलब ऑटो हुआ है और दो एक में ये सब बैठेंगे मतलब जेंट्स वगैरह एक में लेडीज और एक में जेंट्स तब चलो फटाफट होटल। और बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है और यहाँ पर कोई स्वेटर नहीं पहना है बस हो चुके हैं हम लोग होटल तो अभी सब बात करने के हैं जेंट्स में और हम लोग ऑटो में ही बैठे हैं। गर्मी बहुत लग रहा है बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है लगी ना लगी ठंडा का मौसम है तो मौसी बैठेगी वैसे अंदर तो यहां आ गए होटल में और सब रूम मिला है तो एक रूम में भी सब एडजस्ट है क्योंकि एक रूम अभी मिला नहीं है और अभी सब नाश्ता पानी सब हम लोग कर लिए अब हम लोग जा रहे हैं समंदर हम लोग समंदर में जा रहे हैं हम सब जा रहे हैं तैयार है ऑलरेडी पहले से हम लोग रुके हैं ये देखिए यही यहीं पर रुके हैं बहुत मुश्किल के बाद यहाँ पर ये मिला हुआ है। जा रहे हैं सभी लोग बीच मतलब गोवा वाली बीच नहीं है ये समंदर है ये देखिए समंदर कुछ नजारा ऐसा है तो हम लोग जा रहे हैं वो आवाज कितना प्यारा है ये देखो वाह भगवान सच में बहुत खूबसूरत 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 देखिए जिया जी नहाएंगे नहाइए जी नहाई नहीं है हाँ हम बना रहे बहुत मजा आ रहा है ये रहा लल्ला नहाएगा वाओ डर अरे वहाँ कितना सुंदर नजारा लग रहा देखिए ना हाँ तुम आगे मत जाओ पीछे हो ना सबका
हिम्मत नहीं हो रहा कि आगे जाए। यहाँ हम लोग सब नहा लिए हैं और ये देखिए स्नान हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा मजा आया है। और अब हम लोग चले, हाँ चलिए, अब जहाँ रूम लिए हैं वहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो अभी नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा भी लग रहा है, तो हम लोग जा रहे हैं घर, मतलब जहाँ रूम लिए हैं वहाँ होटल। तो चलो फिर चलते हैं जल्दी जल्दी, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, सब बच्चे लोग भी सब काफ रहे हैं। तो बहुत नजारा है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल। सूरज ढल चुका है, अब हम लोग घर जाएंगे।